अस्सलामु अलैकुम, मरहबा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अम्मार फारूकी ऑफिशियल ब्लॉग्स। आज हम लोग पन्नू आकिल से इस वक्त चेकआउट कर चुके हैं, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और कराची की तरफ जा रहे हैं। कराची का रास्ता यहाँ से तकरीबन 6 घंटे 40 मिनट का है, तो इंशाल्लाह आई होप के बीच में रुकते रुकाते हम शाम को 5:30 बजे तक कराची पहुँच जाएँ। स्टे वॉज एक्सेलेंट, द कैंट एरिया इज़ एक्सेलेंट, बहुत मज़ा आया, रात को बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया। और अभी आप लोग चलें मेरे साथ और देखते हैं रास्ते में हम लोग क्या करते हैं। सिंध का सफ़र स्टार्ट हो गया है। सिंध में हम लोग रात को ट्रैवल नहीं करना चाह रहे थे, मैंने सोचा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे, तो 9:30 बजे इट्स ओके, हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। व्लॉग की स्टार्टिंग करनी थी, बहुत ही अच्छी खूबसूरत सुबह है, आप मेरे से पीछे देख सकते हो, एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो कि बहुत ही ज़बरदस्त एरिया था, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और अभी रास्ते में चलते हैं और देखते हैं कि अगर व्लॉगिंग हो सकेगी, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, किस तरह घर पहुँचेंगे, फिर घर में जाकर हमारी बेटियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं, उनसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। सो लेट्स गो। ये अब हम लोग निकल चुके हैं और आज संडे का दिन है, तो इसलिए आपको ज़्यादा मैस में यहाँ कैंट में रश नहीं नज़र आएगा, छुट्टी का दिन है। बहुत ही कोई खूबसूरत जगह, खूबसूरत मैस, और हम लोगों को ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग रात को यहाँ 8 बजे के करीब पहुँच गए थे और उसके बाद जो है फिर रात को कॉफ़ी वगैरह पीने गए और ये बहुत ही हम लोगों ने इन्जॉय किया। ये इनके ऑफिसेज़ का एरिया है, ये सामने वो राउंड अबाउट था जिसका मैं जिक्र आप लोगों से कर रहा था, जो रात को भी मैंने रात वाले ब्लॉग में मैंने दिया था। ये राउंड अबाउट यहाँ इस वक्त काम वाम चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत कोई ग्रीनरी है। ये यहाँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, माशाल्लाह हमारे, मुझे जहाज़ बहुत बहुत पसंद है, ये फाइटिंग जेट्स मौजूद हैं। 30 डिग्रीज़, लेकिन मौसम ज़रा मुझे बेहतर लग रहा है, एक तो हब्स नहीं है और हवा चल रही है और यानी हल्की हल्की गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। खैर अब देखते हैं आगे, जिस तरह हम जाते रहेंगे सिंध को, सिंध में आगे जाते रहेंगे और शायद गर्मी बढ़ती रहे। ये देखिए माशाल्लाह एक ट्रक ओवर से भी ज्यादा ओवरलोडेड है, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है हाईवे के ऊपर, और आगे भी इसी तरह का एक और ट्रक जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है ये ओवरलोडेड ट्रक्स हैं, और मेरे ख्याल में ऐसे ट्रक्स को, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या सुपर हाईवे हो, एक तो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, अल्लाह ना करे कोई ऊपर से कोई चीज़ हो जाए, कोई भी चीज़ कोई लीक हो जाए। आप ये देखें ज़रा ट्रक को देखें कि कितना ओवरलोडेड जा रहा है। ये खज्जियों के आप पेड़ देख सकते हैं, मेरे राइट और लेफ्ट दोनों जगह आपको खज्जियाँ ही खज्जियाँ नज़र आएंगी, तब भी दिखा। और बहुत ज़बरदस्त इनकी कास्ट चल रही है, अभी आगे आपको देखेंगे ये लोग खज्जियाँ तोड़ तोड़ करके सुखाने के लिए डाली हुई है इस तरह इन लोगों ने, और यहाँ से आप फिर ले सकते हो खज्जियाँ। इस वक्त मुझे जल्दी हो रही है वरना मैं ज़रूर बंच के बंच यहाँ रखे हुए हैं, और क्योंकि हमें कराची जल्दी पहुँचना है तो इस वजह से अभी हम कुछ ले नहीं सकते, लेकिन गुड साइट व्यूइंग और मज़ा आ रहा है देखकर, अच्छा लग रहा है। हम लोग आ चुके हैं सेवन शहर में और ये कलंदरों का शहर है, सूफियों का ये शहर है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ हम लोगों ने स्टॉप ओवर लिया है और ये आया है, हम लोग 10 बजे सुबह वहाँ से निकले थे, तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटे बाद हम लोग सेवन में रेस्ट करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट रोड जो हम पीछे जिस रोड से आ रहे हैं वो कनेक्ट करेगी जामशोरों, और अभी तकरीबन 3-3.5 घंटे हैं हमें कराची पहुँचने के लिए, तो ये पहला हमारा स्टॉप ओवर है जहाँ हम लोग कुछ खाएँगे पियेंगे। सेवन रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आए हैं और लेट्स सी, गर्मी बहुत है और चलते हैं कुछ खाते हैं फिर बताते हैं। तो सेवन से निकल रहे हैं खाना खाकर और यहाँ से हम डायरेक्ट कराची जा रहे हैं, कराची से फरहान साहब अपने घर जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ,
और बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा है। और यहाँ से इनको अलविदा कहेंगे क्योंकि ये अपनी गाड़ी से गुलशन की तरफ निकल जाएंगे, हम लियारी एक्सप्रेस वे चढ़ जाएंगे। तो ये हमारी इंशाल्लाह अब तक की आखिरी मुलाकात होगी, अब गाड़ी गाड़ी में कोऑर्डिनेशन होगी और इंशाल्लाह होप टू सी यू ऑल सून। बहुत मज़ा आया, बहुत तफरीक है, एंड ही हैज़ बीन अ वेरी गुड ट्रैवल पार्टनर, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। ये हम लोग जब सेवन की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में ये लोटस था हम लोगों ने लिया, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। और इसको यहाँ से खोल कर इसके अंदर से इसकी सीड्स निकलती हैं, वो हम लोगों ने खाए हैं रास्ते में, बहुत यमी है। और मैं देखूंगा कि अगर कराची में भी ये फल या फ्रूट जो भी इसको कहते हैं ये अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह कराची में भी हम खाएंगे। तो और हम लोगों ने एक झल्ली भी ली है जो यहाँ सिंध की मशहूर होती है, हैंड क्राफ्टेड चादर जिसे कहते हैं, तो वो एक ली है हम लोगों ने रास्ते में। तो रोड ट्रिप का यही मज़ा है कि रास्ते में मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं और आप ट्राई करते रहें। अभी हम लेट हो रहे हैं तो लेट्स गो साकिब साहब, अब हम चलते हैं। हम लोग सेवन से निकले हैं और ये सेवन से रोड जा रही है टूवर्ड्स जाम शोरूम, और ये आप देख रहे हैं बहुत ही कोई अच्छी खूबसूरत रोड बनाई हुई है, और ये अंदर का कोई रास्ता है और हम लोग काफ़ी अंदर के रास्ते से होते हुए आए हैं। थोड़ा सा पैच ख़राब था तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर का, लेकिन उसके अलावा बड़ा अच्छा रास्ता ये निकला है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ट्रॉलर्स नहीं है, ट्रक्स नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत दूर में यानी 8-10 किलोमीटर बाद कोई एक ट्रक अगर नज़र आ गया तो नज़र आ गया, वरना बड़ा खूबसूरत सा ये रास्ता बना हुआ है। और ये हमारे साथ जो फरहान भाई थे उन्होंने ये एक्सप्लोर किया था रास्ता, और ये रास्ता डायरेक्ट हमें जामशोरों की तरफ निकालेगा। तो हम जब से पन्नू आकल से निकले हैं तो हम इसी रास्ते के ऊपर हैं, और थोड़ा सा लंबा है ये रास्ता, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा है, रश कम है, और प्रेफरेंस ये है कि अगर आप दिन में अगर यहाँ ट्रैवल करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। रात के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सेफ़ होगा, लेकिन दिन के लिए काफ़ी अच्छा है। छोटे छोटे गांव भी हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने दादू डिस्ट्रिक्ट भी क्रॉस किया, हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो भी क्रॉस किया, तो बहुत अच्छा मुझे ये लगा ये रास्ता। बहुत ही कोई अच्छा रास्ता है, अच्छी रोड बनी हुई है और बिल्कुल खाली। आगे अगर आपको एक गाड़ी नज़र आ रही होगी तो मेरे कज़न की गाड़ी है, बाकी पूरी रोड जो है वो खाली हुई हुई है, और बहुत ही सुकून वाला रास्ता है जी। बस जाम शुरू टू लाने वाला है, थोड़ा सा टाइम है उसमें, और ये रास्ता आप लोग देख सकते हैं, ये एक हिडन जेम फरहान भाई ने मुझे बताया है, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि मैं आहिस्ता करता हूँ तो शायद आप लोगों को नज़र आए, कराची इज़ एग्जैक्टली 161 किलोमीटर्स और हैदराबाद इज़ एग्जैक्टली 32 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और बहुत ही अच्छी राइड रही, यानी पिछले थोड़ा ही लंबी थी क्योंकि हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे और अभी 4 बज रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही स्मूथ राइड रही। शुरू में लाइक 8-10 किलोमीटर का एक पैच आता है जिसमें कच्ची रोड है, पक्की रोड है, कच्ची रोड है, पक्की रोड है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही कोई ज़बरदस्त ये रोड है। और हम सुकून से आए हैं सेवन से, जब से हम लोग निकले हैं तो मेरी गाड़ी मेरे ख्याल में 100-110 के ऊपर चली है पूरे वक्त विदाउट एनी ब्रेक, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि लोगों ने इस रास्ते को एक्सप्लोर किया है, नहीं किया, क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये रास्ता बहुत पसंद है। सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा अगर आप उसको एज अ डिसएडवांटेज ले लो, कहीं सिग्नल्स आ रहे हैं कहीं नहीं आ रहे, और ये कि रात के वक्त इस रास्ते के ऊपर ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दिन में तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। अच्छा, हर थोड़ी देर बाद पुलिस भी खड़ी हुई है, सिक्योर्ड भी है, और काफ़ी अच्छा मुझे यह रास्ता लगा है। और आगे जामशोरो टूल आ रहा है तो मैं दिखाता हूँ जामशोरो टोल आप लोगों को। जामशोरो टोल आ चुका है और पूरे 4 बज रहे हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे में हम लोग जामशोरो पर पहुंचे हैं, जामशोरो टोल पर पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल में ये हैदराबाद टू कराची का टोल आ चुका है, और इस वक्त एग्जैक्टली 4:20 PM यानी 4:20 हो रहे हैं, और यहाँ से मेरे ख्याल में हम लोगों को शायद 1.5 घंटा लगेगा कराची पहुंचने के लिए। और ये आप देखें जी, ये टोल है हमारा,
हाईवे टच किया था कोटरी से, यानी कोटरी और कराची का जहाँ इंटरचेंज था वहाँ से फिर हम लोगों ने हाईवे टच किया। अच्छा जी, हम लोग जो है एग्जैक्टली 5:40 पर हम लोग पहुँच गए हैं कराची टोल पर, और यहाँ टोल पर थोड़ा सा रश लगा हुआ है लेकिन इंशाल्लाह निकल जाएंगे। बीच में मैंने एक छोटी सी वॉशरूम ब्रेक ले ली थी, वरना तो हम 5:30 पर आ जाते। और अब आप ये देख लें जी, कैश लेन लगी हुई है ज़बरदस्त किस्म की, और ये पूरा कराची टोल है और कराची एंटर हो चुके हैं। और इंशाल्लाह यहाँ से लियारी एक्सप्रेसवे चढ़ेंगे, और मैंने अपने पहले व्लॉग में आप लोगों को लियारी एक्सप्रेसवे दिखा दिया था, और फिर इंशाल्लाह वो चढ़कर फिर डायरेक्ट हम लोग घर के लिए इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल में बाय 6:40 तक हम लोगों को घर पर होना चाहिए इंशाल्लाह। जी, हम लोग अपने घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे 6:40 पर हम लोग घर पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर व आफियत के साथ ये सब ट्रिप हमारा पूरा हुआ है, और अभी हम अंदर जा रहे हैं। बच्चे मेरी जो बेटियाँ जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था वो भी ऊपर हैं, और रहमा फ़ौरन भाग कर उनके पास जा चुकी है, और लेट्स सी के वो लोग क्या कर रहे हैं, और उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे आपको, और उसी के साथ ही आज का व्लॉग हम ख़त्म कर देंगे। लोग आ चुके हैं घर पर, और जैसे कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, मेरी चारों बेटियां और ये आ गई। ये देखिए जी, अब मैं बारी बारी सबको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये हमारे घर की बेटी है, भाई रहमा से तो मिलने वाले तुम लोग, मुझसे मिल लिए। और ये मेरी सारी बेटियां जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये हादिया है, वो सॉरी ये हाजरा है, ये हादिया है, ये मरियम है, ये आमना है, और ये रहमा है। मैंने इन पांचों बेटियों का जिक्र किया था। अब आने वाले ब्लॉग्स में आप लोग इन पांचों को भी देखेंगे, हम डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, हम इनके साथ चैलेंजेस भी करेंगे। और इधर ही रहते हुए मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाह रहा हूँ, तो इस दुआ के साथ कि आप लोग अपने बड़ों का ख्याल रखेंगे, छोटों से प्यार मोहब्बत और शफकत से पेश आएंगे, और प्लीज एज यूजुअल आज मेरी पांचों बेटियां मेरे साथ हैं, एंड में जो हमेशा हम लोग करते हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर।